सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ योर प्रेरणा रॉय। सो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप लोगों को, जो जो न्यू सब्सक्राइबर अब ऐड हुए हैं या और भी होने वाले हैं। सो मेरा नाम प्रेरणा रॉय है और मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन इन BSc कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था गाइस। तो टैम्पलेट से और YouTube के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। सो बेसिकली बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई थी कि दीदी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का हॉस्टल या गलगोटिया कॉलेज का हॉस्टल या फिर प्राइवेट हॉस्टल, मतलब हमें किस चीज़ में जाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, तो क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया चाहिए। तो ये वीडियो तो मैं आप लोगों को बहुत ही फ्रेंकली बनाना चाहती हूँ कि मैं ना तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रही हूँ, क्योंकि वहाँ रहने के चांसेस भी नहीं है मेरे, बिकॉज आई एम अ गर्ल, एंड ना मैं गलगोटिया कॉलेज में रही हूँ क्योंकि उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अकॉर्डिंग टू मी बहुत है, और फीचर्स जो हैं नॉट इनफ, सो दैट्स वाई आई डिडेंट गो फॉर दैट ऑप्शन। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन मतलब रीजन्स थे जिसकी वजह से मैं गलगोटिया कॉलेज हॉस्टल में नहीं रही। सो बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो वही दो साल रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन तो होगी। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक चार्ट आने वाला है, तो काफ़ी लोगों को यू नो कन्फ्यूजन सी रहती है, तो मैं आप लोगों को एक चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, स्क्रीन पे आएगी। तो गलगोटिया एक पूरा एक ब्रांड है, एक नेम है गलगोटिया। तो इस गलगोटियाज के उत्तर प्रदेश में, मैं अभी ये नहीं कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा में इसके दो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब दो एजुकेशनल सेंटर्स हैं। पहला एजुकेशनल सेंटर है इसका GSET, जिसे हम प्यार से बोलते हैं GSET, मतलब से हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। तो GSET का फुल फॉर्म है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दूसरा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम GSET के बारे में बात करेंगे। जो हमारा GSET है, GSET हमारा नॉलेज पार्क 2 में है, और कनेक्टिविटी के मामले में आई गेस मेरे ख्याल से GSET बेटर है। लेकिन GSET में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को वहाँ का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना पड़ता है। तो अभी हम इसमें डीप में नहीं जाते हैं। तो ये GSET है हमारा, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो यमुना एक्सप्रेसवे पे है। तो इन दोनों का मैंने आप लोगों को एड्रेस कन्फर्म कर दिया है, एंड तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी सबके लिए है, लेकिन गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, और मेरिट के बेस में जिनका एडमिशन होता है। तो बेसिकली कह सकते हो एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो है भी गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो बात यहाँ ख़त्म होती है। काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, जो बाहर से बच्चे आते हैं, कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो उन लोगों ने डाल रखी है। तो वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। वो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, बट उन लोगों का एक बताने का तरीका मेरे ख्याल से गलत है, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल है, लेकिन गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं इतना बड़ा नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं शॉर्ट फॉर्म से यूज़ करना चाहूँगी GSET। GSET में बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। सो ये वाली कन्फ्यूजन हमारी क्लियर हो गई, ठीक है, कि गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल किस में है और बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल दोनों में, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल सिर्फ GSET में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी एंड ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। सो आप लोगों को इनके नाम से पता चल गया होगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी का मतलब है कि अगर एक बच्चा चाहे तो वो एक अपना रूम में, प्राइवेट रूम में रह सकता है। डबल ऑक्यूपेंसी विच मीन दो लोग एक रूम शेयर करेंगे। ट्रिपल मतलब तीन लोग एक रूम शेयर करेंगे। सो ऐसा यहाँ पे है, ये चीज़ है बॉयज़ हॉस्टल में। लेकिन अभी जो बच्चे आने वाले हैं ना, मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि बेटा आप लोगों को सिंगल ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले से बच्चों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो पहले बैच के बच्चे हैं। सो अभी हम सबसे पहले बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करने वाले हैं, जो गलगोटिया कॉलेज का भी सेम है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी सेम है। इन दोनों के प्राइजेज जो है वो दोनों सेम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों एक ही इंस्टीट्यूट के हैं। तो आप चाहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में रहो, चाहे गलगोटिया कॉलेज में रहो, आप लोगों का जो प्राइस है वो बहुत सेम है। ये वैसे भी वहाँ पे आप लोगों को जब आप पेमेंट करते हो तो आप लोगों को बता देते हैं, बट मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कहीं किसी के साथ धोखा ना हो, ठीक है। तो सिंगल ऑक्यूपेंसी की जो फीस है
सिंगल ऑक्यूपेंसी विद एसी, ओके, तो उसकी जो फीस है वो 15,000 है, विच मीन 15,000 पर मंथ की बता रही हूँ, ओके. फिर उसके बाद सिंगल ऑक्यूपेंसी जो कि नॉन एसी होने वाली है वो 10,000 है. डबल ऑक्यूपेंसी, फिर से एक बात हम मैं आप लोगों को मेंशन कर दूँ, ये वेबसाइट वाली है, ठीक है. अभी मैं आप लोगों को रियल रेट बताती हूँ. डबल ऑक्यूपेंसी इन लोगों ने 9,000 बताई गई है नॉन एसी वाली, जो कि पूरी पूरी तरीके से गलत है, ठीक है. ये इन लोगों ने शॉर्ट में बताया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा है, बट ऐसा इनका प्राइस बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रॉड है बिल्कुल. जो रियल प्राइस है वहाँ के हॉस्टल का, मैं आप लोगों को ट्रिपल ऑक्यूपेंसी का बता दूँ, क्योंकि अभी आप जाओगे तो आपको ट्रिपल ऑक्यूपेंसी मिलेगी, तो 12,000 है. अब मैं आप लोगों को वहाँ के फीचर्स बताना चाहूँगी बॉयज़ हॉस्टल के, ठीक है. तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ है वो बनी हुई है वहाँ पे उन लोगों ने, क्योंकि मैं वहाँ अंदर जाके वीडियो नहीं बना सकती, बट उन लोगों ने बहुत क्लियरली सब कुछ दिखा रखा है, जिम क्या क्या वहाँ पे फीचर्स हैं. तो मैं इतना डिटेल में नहीं घुसूँगी, बेसिक बेसिक आप लोगों को चीज़ बता देती हूँ. लॉन्ड्री है, लेकिन लॉन्ड्री के आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं. वहाँ पे ऐसा है कि आप वहाँ पे पैसे डालोगे तब आपको वहाँ पे लॉन्ड्री जो है वो चलेगी, ठीक है, मतलब जो वॉशिंग मशीन है वो चलेगी, ठीक है. तो लॉन्ड्री मेरे ख्याल से बेकार ऑप्शन है जो इन लोगों ने दिया है. जिम के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे, क्लियरली मैं आप लोगों को बोल दूँ, जो भी है झूठ है. और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि आपको रूम में क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वॉशरूम है, लेकिन वेबसाइट पे जो टॉयलेटरीज बताई गई ना वो एक नंबर का यू नो फ्रॉड फैक्ट है कि वहाँ पे आप लोगों को टॉयलेटरीज मिलने वाली है. बहुत ही झूठी और बहुत ही बकवास बात उन लोगों ने लिखी हुई है. तो ये चीज़, अब आप लोगों को रूम में क्या क्या मिलेगा वॉशरूम की तो बात मैंने आप लोगों को बता दी. रूम में आप लोगों को बेड मिलेगा, मतलब सिंगल बेड ही होगा. टेबल मिलेगा, टेबल बहुत छोटा सा आप लोगों को, इतना मतलब इसका क्या बताऊँ, बैग रखने लायक आप बोल सकते हो. चेयर मिला नहीं तो छोड़ दो, चेयर की भी उम्मीद मत रखो कि आपको वहाँ पे बैठ के पढ़ पाओगे, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम, आपको एक मैट्रेस मिल जाएगा, बेडशीट मिल जाएगी और पिलो कवर मिल जाएगा, ठीक है. तो इतनी चीज़ आप लोगों को मिलने वाली है रूम में. अब बात करते हैं हम हॉस्टल के फीचर की. तो गाइज मेरे ख्याल से तो वहाँ पे रहने का कोई वो ही जवाब ही नहीं पैदा होता हम कह सकते, क्योंकि आप लोगों को कहीं भी जाना हो तो मतलब बहुत दिक्कत है, यू नो वार्डन ये वो स्ट्रिक्टनेस, मतलब बहुत कुछ, एक पूरा प्रोसीजर है, आप लोगों को साइन करवाओ फिर आप जाओ, तो बहुत झमेला है. मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ तो स्ट्रिक्टनेस के मामले में बहुत झमेला है. अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की जिसके कारण हॉस्टल में रहना बच्चों को पसंद है, मेस जहाँ पे खाना मिलता है, ठीक है. मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि मैं आज तक हॉस्टल में कभी रही नहीं थी उस समय तक. फिर मेस की बात हुई तो अब बताते हैं वहाँ पे मेस का क्या चक्कर है. मेस जो है आपकी बिल्डिंग से अलग है, ठीक है. आपका जो ब्लॉक होगा वो सीट, मैं ये यूनिवर्सिटी की बता रही हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी का क्लियर कर दूँ, ठीक है. मेस जो है आपका मतलब अलग ब्लॉक में, जैसे आपका जो ब्लॉक होगा ना वो सी ब्लॉक है, डी ब्लॉक एक करके बना हुआ है वो जो डी ब्लॉक जो है आप लोगों का हॉस्टल है. फिर उसके आगे एक बिल्डिंग बनी हुई है वो मेस है. सी ब्लॉक गाइज वो बच्चों का पढ़ने का एरिया है, ठीक है. तो डी ब्लॉक जो है वो हमारा हॉस्टल है और फिर वहाँ पे सामने करके एक मेस बना हुआ है. तो मेस का तो बहुत ही बुरा हाल है, मैं क्या बताऊँ. शुरू में जाओगे तो आपको यू नो बहकाने के लिए तो अच्छा खाना बना देते हैं, मैंने चीज़ देखी हुई है, ठीक है. बट ऐसा नहीं होता वहाँ पे खाना, ठीक है. मेरी फ्रेंड है वो जाती है और मैं इसका भी आप लोगों को रूल समझा दूँगी क्या चक्कर है, ठीक है. तो मेस भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, तो मतलब मैं एवरेज भी नहीं दूँगी, मैं 10 में से 2 दूँगी कि मतलब खाने के लिए है. काफ़ी बच्चों को मैंने इतनी बुरी हालत देखी कि वो लोग खाना ही अवॉइड करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मेस का खाना कितना बेकार होगा, ठीक है. आप लोगों को खाना भी नहीं बनाने दिया जाता तो क्या मेस है. चलो ये बात तो कट हो गई, ठीक है. बस की आप लोगों को ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप उसी कैंपस में रहोगे, उसी कैंपस में आप लोग वो रहोगे. तो गाइस 12,000 आप किस चीज़ के दे रहे हो, खाना भी आपको अच्छा नहीं मिल रहा, रूम जो है बहुत ही कम्पैक्ट है, ऐसा कोई बड़ा सा रूम नहीं है या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है. स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तो कॉलेज के बच्चे भी खेल रहे, तो आप खेल लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है. तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई. अब बात करते हैं जी सेट पे. जी सेट में अब मैं आप लोगों को गर्ल्स कॉलेज के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही रूम्स की बात कर लेते हैं. मैं यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स दिखा दूँगी,
ठीक है, मेरे पास मैंने किसी से मंगवाई थी बच्चों, क्योंकि मेरे पास मैं वहाँ रही नहीं, तो मेरे पास पिक्चर नहीं सज रहा हूँ, तो मेरी फ्रेंड रहती थी तो उसे पता है, ठीक है, तो मैंने उससे पिक्चर मंगवाई थी। तो गाइज ये हो गया, रूम हमारे बहुत छोटे छोटे से, कोई वैसे नहीं है, जिम भी बेसिक है, ट्रेनर वेनर का सब कुछ नहीं है, गार्डन एरिया घूम सकते हो आप, और बाहर जाने के लिए आप लोगों को पास बनवाना पड़ेगा। इवन आप अगर आप बस से जा रहे हो, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्योंकि गलगोटिया कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस जाती है, ठीक है, जो गलगोटिया कॉलेज में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए बस अवेलेबल है। जो बस की टाइमिंग है ना, वो बहुत सही टाइमिंग, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, टाइमिंग ठीक है बट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है टाइमिंग, वही बस की हमारी जो टाइमिंग है, सुबह बस जाती है 8-8:30 बजे मान लो चली जाएगी, वो डिपेंड करता है आप लोगों की क्लासेस कैसे कैसे स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 9:30 बजे बस आती है, फिर एक बार शायद खाना देने के लिए जाती है तो उसमें आप लोगों को नहीं मिलेगा। आते वक्त जो बस होती है ना, वो 3 राउंड में आती है, पहली फर्स्ट राउंड वाली जो बस है ना बच्चों, वो हमारी 1:30 PM जाती है, सेकेंड राउंड वाली जो बस है वो 4:50 PM जाती है, और ये जाती भी है नहीं भी जाती है, मतलब डिपेंड करता है बॉर्डर के मूड पे, ठीक है। जो पूरा मैनेजमेंट है ना गलगोटिया का, वो एक नंबर का क्रॉस है, मैं क्रॉस देना चाहूँगी मैनेजमेंट को। और जो लास्ट बस है वो 5:40 पर है, तो इतनी बस है, तो बस की जो टाइमिंग्स है ना वो बहुत ख़राब है, मतलब इनका कोई स्टेबिलिटी नहीं है टाइमिंग की, ठीक है। और मेन्यू जो है वो हर 15 दिन में बदलता है, लेकिन टेस्ट नहीं बदलता है, टेस्ट वैसा का वैसा ही टेस्ट है कि बच्चे खाना अवॉइड करते हैं और कैंटीन का खाना खाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कितना बुरा हाल होगा बच्चों का। और है भी, मैंने बहुत देखा हुआ यार, बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। और लास्ट आप लोगों की हॉस्टल आने की जो टाइमिंग है वो 7:30 या 8 बजे तक की टाइमिंग है, और नहीं आए तो समझ जाओ आपके घर पे कॉल कर दी जाएगी। और मेन्यूज़ अगर आप चाहो तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं आप लोगों को शेयर, एक काम करती हूँ, आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, मतलब स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। तो हर 15 दिन पर खाना जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं, मतलब खाना, मतलब हम बच्चे ही चाहते कि आप लोग उन्हें यू नो क्वांटिटी दो, कि आप खाने में तो उन्हें 4 चीज़ें दे रहे हो, लेकिन 4 चीज़ में से एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो बच्चे मन से खा सके, इतना बेकार खाना होता है। कहीं कहीं चीज़ें अच्छी बना देते, जैसे कभी कभी बीच में ना ब्रेकफास्ट में ये लोग देते थे इडली और सांभर देते, तो वो थोड़ा ठीक रहता था, खाने लायक होता था, लेकिन बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता खाने लायक होती है। सेम चीज़ लॉन्ड्री में भी, वहाँ पर वही हाल है, ठीक है, लॉन्ड्री भी कुछ खास नहीं है। और एरिया की बता दो, अगर आप लोगों को कोई छोटी छोटी चीज़ भी चाहिए होगी ना, जैसे आप बेसिक आप स्टूडेंट हो, तो मान लो कि अगर आप स्टेशनरी चाहिए, तो वहाँ की स्टेशनरी इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से तो, मतलब हर चीज़ अगर आप बाहर से करवाते हो तो वो चीज़ 2 रुपये की प्रिंट आउट निकलती है, तो स्टेशनरी वाला आपको 10 रुपये की निकाल के देंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर, मतलब मुझे खास पसंद नहीं आई, बच्चों को लूटने वाले काम है, खैर अब उनका एम्बियंस है तो वो तो लूटेंगे, ठीक है, ये तो बात की बात है, ठीक है। तो अब ये बात होगी हमारी गर्ल्स हॉस्टल जो कॉलेज में है, ओके, ठीक है, तो यही चीज़ है, ठीक है, वहाँ पे भी वही है। अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी लेते हो, वो भी एसी वाला, तो 19,000 है, और अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी नॉन एसी लेते हो तो 15,050 है, और अगर आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में एसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ पे 12,000 है, वहाँ पे एसी नहीं है, और इतनी ही चीज़ें हैं मेरी ख्याल से तो, ठीक है। और अगर आपको गलगोटिया हॉस्टल के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो ना, आप मुझे पूछना, मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्लिप्स डाल देती हूँ, रूम से क्लिप डाल देती हूँ कि वहाँ के रूम कैसे, गर्ल्स कॉलेज का तो रूम जो है वो ठीक है, मैंने जो देखा है ना, मतलब लाइक मेरे रूम जो देखे मुझे तो ठीक लगा वो रूम, बाकी आप मुझे बताना कि आप लोगों को वो रूम कैसा लगा। जिम का एरिया मैं आप लोगों को डाल दूँगी यहाँ पर, इसे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मेन्यू मैं आप लोगों को बताना, मेन्यू बहुत बेसिक कभी कभी आता है, छोले कुलचे, इडली सांभर और रोटी सब्जी, सब्जी भी ठीक ठाक रहता है, रोटी बहुत बेकार रहती है। और यूनिवर्सिटी में जो खाना जाता है ना, वो गर्ल्स कॉलेज से बन के जाता है वहाँ खाना,
और जो बच्चे हॉस्टल के नहीं हैं, अगर उन्हें मेस से खाना खाना होता है, मतलब बॉयज़ हॉस्टल में, तो उनको 60 रुपीज़ देना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इन बच्चों के तो कार्ड बने रहते हैं तो इन्हें मेस में अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जो नॉन हॉस्टलर्स वाले बच्चे, अगर उन्हें कॉलेज का खाना खाना होता है तो उन्हें 60 रुपीज़ देना पड़ता है। तो भाई वो वहाँ क्यों 60 रुपीज़ दे, वो कैंटीन में दे दे 60 रुपीज़, क्योंकि वो वर्थ इट रहता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यही सब चीज़ें, और गर्ल्स जो कॉलेज, जो कैंपस का जो हॉस्टल है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को लेना नहीं चाहिए। वही बच्चे लेते हैं जिनके पेरेंट्स मानते नहीं है, जिनके पेरेंट्स को थोड़ा वैसा रहता है कि नहीं भाई नहीं होगा बच्चों से, तो वैसे उन बच्चों के लिए सही है, बट हमारे जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं है वो, क्योंकि खाना इतना बेकार, मतलब ठीक है खाने ऐसे है, जब आप दाल भी लोगे ना तो वो ऐसे एकदम पानी ऐसे आएगा, तो खाना मुझे वर्थ इट नहीं लगा वहाँ का। और बस इतनी सी, इवन मार्केट के लिए भी आप लोगों को दूसरे एरिया जाना पड़ता है, मार्केट भी वहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज पर है, और बच्चों के जो वहाँ का मार्केट है वो जगत फार्म है। और यूनिवर्सिटी में तो बॉयज़ को लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ पे है ही नहीं। बाकी आप लोगों को अगर कोई भी हॉस्टल से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ जवाब दूँगी, ऐसा मत सोचना नहीं दूँगी, क्योंकि आप मेरे पिछले वीडियो पर देख रहे ना, मैंने बहुत से बच्चों को जवाब दिए हुए हैं, देखती रहती हूँ देना मेरा काम, ठीक है। तो चलो ये वाला जो पार्ट है हम ख़त्म करते हैं, और बताना आप लोग आप लोगों को और क्या क्या जानना है, ताकि मेरे पास भी आइडियाज़ आते रहे कि भाई आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं हम, ठीक है। तो चलो गाइस बाय बाय, और बताना भाई, ठीक है, कोई भी सवाल हो तो मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और अभी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक बनाने वाली हूँ ना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी बच्चों ने क्वेरी करी थी, और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपको यूनिवर्सिटी क्यों लेनी चाहिए, यूनिवर्सिटी वाला हॉस्टल क्यों लेना चाहिए, और प्राइवेट हॉस्टल क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ तो मैंने आपको रेंज बता दी और फीचर्स भी बता दिए, जो कि बिल्कुल ही खिसके हुए फ़ीचर हैं, तो मुझे प्राइस के हिसाब से 15,000-12,000 और ये जो ले रहे हैं मुझे ये ठीक नहीं लगा। एक और चीज़, इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप एक साल से पहले ना कॉलेज से निकल नहीं सकते हो, तो ये चीज़ बहुत ख़राब होती है। जिन बच्चों को 2 महीने में वहाँ असर ही ना करें, वो तो वहाँ पे वो लोग एक ही बार में पैसा ले लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। और कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट में पूछ लेना, और बताना मैं कैसे लग रही थी आप लोगों को, ठीक है। हमने बहुत सिंपल सा कुर्ता वेयर किया हुआ है, और बस आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बैठ गई हूँ तैयार होके। चलो गाइस बाय बाय, सी यू विद माय अनदर वीडियो, और वीडियो तो होने वाली है गलगोटिया को एक्सपोज करने के लिए, तो चलो गाइस।